हेलो फ्रेंड्स, देखिए गार्डन का हाल। इतना हवा, इतनी तेज बारिश हुई ना रात में कि डर गए थे। और ये देखिए, मैंने कल ही यहाँ पर कॉर्नर सजा कर रखी थी और इसका हाल देखिए, सबका सब उल्टा पलटा हो गया, सब बाहर आ गया है। ये देखिए कितनी अच्छी सी फ्लावर खिल रही है। और कल ये सब मैंने किया था, ये वाला और वो वाला यहाँ का रह गया है, वहाँ पर हो गया है पूरा स्नेस। तो देखिए इस तरह से मैंने कितनी अच्छे से प्लांट को सजा के रखी थी। ये वाला देखिए, ये भी ऊपर से नीचे आ गया और कंदूर का प्लांट इस तरह से इसमें फंस गया था, तो वो भी टूट कर निकल कर आया है धागा सब। ये सब मैं उठा के रख लूँगी। अभी छींटे पड़ रहे हैं, बूंदे पड़ रहे हैं बारिश के। कल इतनी तेज धूप थी, मैंने सोचा अभी नहीं आएगा, तो इस तरह मैंने छोड़ कर चली गई थी। और ये रहा मेरा हाल। कल काम करते करते ही मुझे कहीं जाना पड़ा, तो बीच में छोड़ कर गई थी। आते आते देर हो गई, तो सोचा कल कर लेंगे, और रात में हो गई सबका सब ही। और उसी बीच फ्रेंड्स, अंजीर प्लांट में एक फल पक गया है। देखिए कितनी अच्छी सी इसकी कलर भी आई है, बहुत नरम भी हुआ है। इसको तोड़ लेंगे। और यहाँ पर नए पत्तियाँ वगैरह भी आने लगी हैं अच्छी सी। और एक मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तहस नहस के बीच एक बहुत अच्छा सा आपको शेयर करूँगी। ये देखिए ये क्या है, मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ये बर्ड्स हैं या फिर कल ये इसी तरह से ग्रो हो रहा है, पता नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये कलिया है, ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, ये शायद पत्ती भी हो सकती है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तो वो भी निकल रहा है। और ये मैं कल कटिंग निकाली हूँ, यहाँ से किसी को दिया थे मैंने। और ये सीड से ग्रो हुआ प्लांट, और कल वहां पर देखिए कितनी पानी ठहरी है वहां पर, वो वाली छत पर आपको दिख रही होंगी, स्विमिंग पूल बना है वो, तो कहीं से पूरे होल्स बंद हो गए होंगे, तो कितना पानी ठहर गया है, बाप रे। कल बहुत वहां पर भी पूरा जमा है, देखिए पूरा जमा है वहां पर भी। बहुत तेज बारिश हुई थी, ये तो भर गया है बारिश की वजह से। मैं ये वहां पर रखना भूल गई, वो वाली टैंकी साफ सफाई कर रही थी तो मैंने उसे यहाँ पर लेकर आई थी, नहीं तो शायद इसमें भी पानी आ जाता था। तो अभी मैं शिफ्टिंग कर ही रही हूँ सब्जियों का एक तरफ और सारा फ्लावर का एक तरफ, लेकिन अभी ये सूखेगा कब मैं करूँगी कब, ये मैं सोच रही हूँ। कल ये भी मैंने यहाँ पर बांधा था, ये भी टूट गया, निकल गया। और देखिए पानी कितनी भर गया सभी में, शायद बहुत जोर से ही आया होगा। ये सब टूट कर गिर कर यहाँ पर देखिए, ओह नो, बहुत नुकसान हो गया मेरा। किसे उठाएंगे तो ये तो पूरा घूम ही गया, ये वाला इसे रख कर लूंगी मैं।
ये भी पूरा टूट गया शायद अंदर से। बहुत तेज हवा चली थी, बहुत तेज, इतना हवा चली थी कि इसको शायद होल ही नहीं, होल कर रही है। कितना मेरा नुकसान हो गया देखिए। तो कुछ प्लांट अभी मैं उठा के रख लूंगी। कहां पर गिर गए हैं मेरे सारे प्लांट्स। अम्मा ठीक है फ्रेंड्स, अभी थोड़ी सी काम कर लूंगी मैं शायद, क्योंकि अभी ये सब सूखा तो मैं कब सूखेगा, मैं कब इकट्ठा कर लूंगी पता नहीं। धीरे धीरे करने का नतीजा देखिए मेरा, कितनी सजा के रखी थी मैं। तो ओके फ्रेंड्स बाय। अभी मैं देखिए इस तरह से बांध लिया है और इतना सारा टूट गया, और ये वाला कॉर्नर मैंने टच नहीं किया। मैं अभी नीचे जा रही हूँ, पानी आया है और ये सब गिरा था सब उठाकर, कटिंग्स फिर से मैंने नए लगा लिए, वहाँ से दो पॉट गिर गए थे। तो ये सब सूखने के बाद साफ सफाई होगा, वहाँ पर मैंने कुछ ठीक कर दिया है, वो पानी ठहर गया था उसमें, और बस इतना हो गया है। अभी मैं जाऊँगी नीचे। ये वाला कॉर्नर मैं बिल्कुल भी अभी टच भी नहीं किया है, मैंने हैंग किया था कल यहाँ पर, इस तरह से हैंग किए थे तो सारे गिर गए हैं, अभी मैं बाद में करूँगी। और फिश टैंक भर गया है, फिश कितना गया है अभी पता नहीं। तो फ्रेंड्स जगह नहीं है एक्चुअली, ये भी बहुत होशियार रहते हैं, जब भी हम ऊपर की तरफ यूँ कुछ भी साउंड आता है तो नीचे बैठता है जाकर, तो पानी ऊपर से बहता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, अलर्ट रहते हैं वो लोग, ज़रा सी आवाज़ आने पर पूरे नीचे चले जाते हैं। ओके जाती हूँ मैं नीचे, फिर बाद में कर लेंगे। देखिए मेरा कॉर्नर मैंने इस तरह से कल भी इसी तरह से मैंने रखा था, और कुछ ज़्यादा प्लांट्स थे यहाँ पर जो गिर गए, उसे समेटने में मुझे बहुत काम लगे, बहुत सारे कटिंग्स इसमें लगाई, बहुत टूट गए। तो कितनी साफ सफाई की थी मैंने कल यहाँ पर, सारा सब मैंने हो गया। तो और इस कॉर्नर को मैंने इस तरह सजाया है यहाँ पर पूरे पर्सलिन को, मुझे यहाँ लगाना रिस्की लग रहा है क्योंकि सब लोग कह रहे थे दीवार के सहारे रख लो बोलकर, एक्चुअली ये कमर्शियल है, मैं दीवार के सहारे यहाँ पर रख लूँगी, यहाँ पर होल्स है तो पानी आता है सुबह से, सुबह 5-6 बजे से नीचे होटल्स सब चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर होटल्स है नीचे, यहाँ पर देखिए पूरे होटल्स और शॉप्स ओपन हो रहते हैं, तो यहाँ से कुछ भी पानी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो वो पूरा पानी उधर तक चला जाता है, तो मैं वहाँ पर नहीं रखती हूँ, इसलिए थोड़ा दूर ही रखती हूँ। और कल ये वाला भी मैंने किया था कल। फ्लावर्स